ऑपरेशन पवन क्या था मैं उस समय सिलचर में पहुंचा हुआ था जी? टेम्पररी ड्यूटी। हमारे पॉलिटिशियंस एंड कमांडर्स हुकुम कर देते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते कि हुकुम हवा में उन्होंने कैसे दिया। तो नियति ऐसी रही कि सब ने गलतियां की हाँ, और उस गलतियों का खामियाजा उन्होंने खुद ही भुगता, इंदिरा गांधी गलतियां नहीं, को इन्होंने ब्लंडर किए हैं नाराज जो किया। जिसको कि जनरेशंस टू कम भोगेंगी, और उसकी तकलीफ जो है इस देश को न जाने कब तक रहेगी, क्योंकि ऐसा नासूर देखिए ये लोग चले गए हैं और जल्दी ठीक नहीं होने वाला। नॉर्थ ईस्ट जो है इस देश का ऐसा हिस्सा रहा है जो देश का हिस्सा होके भी कहीं कहीं अलग थलग है, और मुझे लगता है कि अभी भी नॉर्थ ईस्ट जितना बचा हुआ है वो आर्मी ने उसको बचा रखा है, वरना से चाइना उसको खा जाएगा। और उनको ये किया कि तुम बिल्कुल ही अलग हो दुनिया से, तुम बिल्कुल अलग हो, तुम्हारा कोई मतलब नहीं, न इंडिया से, न चाइना से, न बर्मा से, बिल्कुल अलग हो। तो फौजियों से तो नहीं वो कुछ वो करते थे, बल्कि हम लोगों से तो बहुत शराफत से पेश आते थे सब। तो हमने तो डेवलप करने की कोशिश की नहीं, इंडिपेंडेंस के बाद भी जी स्कूल स्कूल अच्छे खोले नहीं, जो क्रिस्तान लोगों ने खोल दिए वही चल रहे हैं। ऑपरेशन पवन क्या था? ऑपरेशन पवन भी मुझे भी कुछ किस्मत ऐसी थी कि मैं उस समय सिलचर में पहुंचा हुआ था जी टेम्पररी ड्यूटी। वहां भी एक ड्रामा हो गया था फारिस में, एक आदमी ने 7 को गोली मार दी, मर गए, 8 को और मार दिया, इंजर हो गए। वो 8 में एक उसकी बीवी भी थी जो बचे, उनको ट्रीट करने के लिए मुझे कलकत्ता से फ्लाई किया गया। जी मैं वहां पहुंचा, तो वहां जब मैं पहुंचा सिलचर, तो सिलचर से फिर हमको फ्लाई करना है वहाँ आइजल, जहाँ की एक कांड हुआ था। लेकिन सिलचर वाज द हेडक्वार्टर ऑफ दैट हेडक्वार्टर, आई मीन दैट डिवीजन। वो डिवीजन जो है, आप पवन में पूरी पूरी डिवीजन जानी है। तो डाइनिंग टेबल पे मैं भी बैठा हूँ, जनरल टीपी सिंह नाम भी मुझे याद आ गया, झटके में याद ना आता, अब फिर पूछा मुझे याद आ गया, जनरल टीपी सिंह वाज देयर, ही वाज देन मेजर जनरल एंड डिव कमांडर। तो हम लोग टेबल पे बैठे हैं और डिनर सर्व हो रहा है, तो वो अपने सीनियर आर्मी कमांडर से बात कर रहे हैं कि सर वो इतने आदमी है लेके जाने हैं, अभी जाऊं कैसे सर, ट्रेन ऑन है नहीं, उस चीज़ों का अरेंजमेंट तो वही नहीं, और हमको बोला जा रहा है कि श्रीलंका उतर जाओ, कैसे जाएं। तो हंसते हुए वो जनरल साहब उनको जो बोल रहे हैं कि यार आप कौन है, आप तो हनुमान हो, पूंछ लगाओ उड़ जाओ, पहुंच जाओ। मुझे हंसी आई कि क्या तमाशा है, ये प्रिपरेशन है हमारी, मतलब अगर आप इन सब चीज़ों को अंदर से देखें तो आपको कभी कभी आश्चर्य होता है कि हमारे पॉलिटिशियंस एंड कमांडर्स हुक्म कर देते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते कि ये हुक्म हवा में उन्होंने कैसे दिया, इसको एग्जीक्यूट भी तो करना है। उसके लिए भाई ट्रांसपोर्ट चाहिए ना, आप फौरन एक डिवीजन को लेकर के कैसे पहुंचेंगे। फिर वहां ये भी था कि हफ्ते 2 हफ्ते में तो सब साफ हो जाएगा, सब हम क्लीन कर लेंगे और सब ठीक हो जाएगा। लेकिन जब लोग यहाँ पे पहुंचे, वहां लैंड किया, लोगों ने जपना इधर उधर, तब लोगों के समझ में आया कि भैया ये आप पवन इज नॉट ऑल दैट इजी, आपने पहले तो फिर वही काम किया है, शेर को पाला है, पहले यहाँ उसको बुलाया, क्या नाम था, प्रभाकरण था क्या, उसको पहले यहाँ बुलाया पाला, और 96 लाख और 1 करोड़, अब एग्जैक्ट फिगर इन्हीं दोनों में से एक है, अब मैं इस समय मुझे एग्जैक्ट याद जी नहीं है, लेकिन इट वाज ऑलमोस्ट 1 करोड़ जो कि उसको दी गई और जो कि राजीव गांधी ने एडमिट किया कि इन्होंने दिलवाया उसको, इवन अशोका होटल तक में वो शख्स रुका। तब तो उसकी यहाँ पे खातिरदारी हुई, उसको पाला गया, पाला अपने सांप को तो डसेगा ही। तो फिर वो यही है कि हम सब मतलब नॉर्दर्न श्रीलंका और सदर्न मोस्ट टिप ऑफ द कंट्री इधर तमिलनाडु का एक पार्ट लेकर के एक अलग कंट्री बनाएंगे, मैं उसका राजा या प्रेसिडेंट बनूंगा। जब उसने डिक्लेयर कर दिया तब इनकी समझ में आया कि तो हिंदुस्तान में भी पैर जमाएगा, या वहीं नहीं, तब अब कंट्रोल करो। तो सारे तो डिसीजन गलत होते गए, वन आफ्टर अनदर, जनरेशन आफ्टर जनरेशन, द प्रॉब्लम इज क्रिएटेड बाई टू ए मेजर एक्सटेंट बाई वन फैमिली, नोबडी टॉक्स अबाउट इट। That one family ruled for जो भी several कुछ, अब जो भी कुछ समझिए, देखिए अगर तो हिस्ट्री में जाइए ठीक, और ये कोई रिफ्यूट नहीं कर सकता।
ये तो बिल्कुल मेरी लिविंग मेमोरी है जिसको कि मैंने ऐसे देखा और सुना और समझा है। चहल वॉज द मेडिकल मैन हु वेंट आउट देयर, आई न्यू चहल वेरी वेल, ही वॉज आवर सीनियर, ही न्यू मी, आई न्यू हिम। तो नियति ऐसी रही कि सब ने गलतियां की हाँ? उस गलतियों का खामियाजा उन्होंने खुद ही भुगता। बिल्कुल, इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी को नहीं, इन्होंने ब्लंडर किए हैं जो जिसको कि जनरेशंस टू कम भोगेंगी और उसकी तकलीफ जो है इस देश को न जाने कब तक रहेगी, क्योंकि ये ऐसा नासूर दे के ये लोग चले गए हैं और जल्दी ठीक नहीं होने वाला। अच्छा, मैं सर्जर की बात की थी, आप सिक्किम में भी रहे, आप तेजपुर में भी रहे, नॉर्थ ईस्ट जो है इस देश का ऐसा हिस्सा रहा है जो देश का हिस्सा होके भी कहीं ना कहीं अलग थलग है। नॉर्थ ईस्ट के लोग आज भी कनेक्ट नहीं कर पाते हैं, हम भी उनके प्रति कई बार क्या कहना चाहिए, नस्ल भेदी जो है कमेंट उनके खिलाफ करते हैं, और वो नॉर्थ ईस्ट जो है देश का सबसे खूबसूरत हिस्सों में से एक है, और मुझे लगता है कि अभी भी नॉर्थ ईस्ट जितना बचा हुआ है वो आर्मी ने उसको बचा रखा है, चाइना उसको खा जाएगा। बिल्कुल सही, 100% आपकी बात सही है। आप ये देखिए कि मैं खुद, मैंने कहा ना कि उस पीरियड में भी मैं गया हूँ, उसके बाद भी मुझे जाना पड़ा क्योंकि वहाँ कोर्ट मार्शल हुआ, मुझे जो नर बहादुर छेत्री उसका नाम भी मुझे याद आ गया, एकाएक सोचिए इतने दिन बाद। अब चूंकि ये बात की बात में आई नहीं तो उसका नाम तो मुझे बिल्कुल भूल गया था, नर बहादुर छेत्री नायक था जिसने कि मारा था इतने लोगों को। तो नर बहादुर छेत्री नेपाली था, असम राइफल में था वो उस के उस कारण मुझे मिजोरम 3 दफ़े विजिट करना पड़ा। 1 दफ़े तो वो जो उसे मारा तो इलाज करने, फिर कोर्ट मार्शल चला उसमें, फिर उसके बाद वो कोर्ट मार्शल ड्रैगन हुआ, फिर तिबारा भी मुझे जाना पड़ा एज एक्सपर्ट विटनेस, क्योंकि मेरा विटनेस बहुत ही इंपॉर्टेंट था, मैंने ही ट्रीट किया था जो बचे थे, जो मर गए उनका क्या, लेकिन जो जिंदा थे उनको मैंने ट्रीट किया था। आई वॉज द सर्जन फ्लोन फ्रॉम कैलकटा टू दैट प्लेस, तो हालांकि वहाँ सर्जन था लेकिन उस सर्जन के भी पता नहीं क्या हुआ, हाथ पैर फूट गए, क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ, उससे कुछ किया ही नहीं, कहाँ भाग गया, क्या हुआ मुझे पता नहीं, मुझे लाया गया, मैंने किया, मुझे याद भी नहीं आता है क्या क्या हुआ। तो पता चला कि साहब वहाँ जब मैं पहुँचा तो वो था कि भाई आए हैं तो यहाँ चलो MIU में भी बैठ लेते हैं, देखते हैं, क्योंकि पड़े हुए हैं कोई काम ही नहीं है यार। पहुँचे, हमने कहा अच्छा चलो मरीज़ ही देखो यार, आए हैं इस अस्पताल में है, मरीज़ देखो। अपना आराम से गए, मतलब अब शौकिया मरीज देख रहे हैं वहाँ पे, कोई हमको कोई ड्यूटी नहीं बोलता था उस समय कि आप ड्यूटी कीजिए, आई वॉज लाइक ए गेस्ट। जब कोर्ट मार्शल शुरू होगा, विटनेस के टाइम आएगा, मैं बोलूँगा, मैं बोल भी रहा हूँ कि सर मेरे को छुट्टी करो, मुझे जाने दो वापस, मैं कलकत्ता जा रहा हूँ। अरे सर कहाँ आप जाओगे, डॉक्टर के तो एसेंशियल है आपका, तो आप ही का तो सब स्टेटमेंट लेना है। अब अटके हुए हैं साहब, तो वहाँ मैं बैठा, पहले दिन मैंने देखा तो लेडी आई, पहले दिन का तमाशा मैंने देखा कि वो पेपर आया मेरे पास, मैंने कहा यार है तो ABCD लिखा हुआ है लेकिन एक भी वर्ड मेरे समझ में नहीं आ रहा है, ये कौन सी भाषा है यार ये। तो बोले साहब ये जो है मीज़ो भाषा है। मैंने कहा मीज़ो भाषा है, अल्फ़ाबेट तो वही है बिल्कुल। तो बोले हाँ, वाई लैंग्वेज आमलो, इसका मतलब आप समझते हैं, वाई मीन्स फॉरेन, लैंग्वेज इज लैंग्वेज, आमलो मीन्स नहीं जानते, वाई लैंग्वेज आमलो लिखा हुआ है, वो बोल रही है वाई लैंग्वेज आमलो। हमने कहा ये क्या चीज़ है भाई वाई लैंग्वेज आमलो, तो पता चला कि जितने हैं सब जो हैं क्रिश्चियन हो गए हैं, सबके सब 100% क्रिश्चियंस हैं, और उनकी कोई लिपि नहीं थी, उनका कोई लिटरेचर नहीं है वहाँ पे, भगवान जाने कभी था नहीं था क्या हुआ, यहाँ पे कितनी प्रिमिटिव सोसाइटी थी ये मुझे ठीक पता नहीं, मैं कोई इतना बड़ा सोशियोलॉजिस्ट नहीं हूँ कि मुझे पता हो ये, और न मैंने फिर जानने की कोशिश की, क्योंकि इट वाज क्वाइट डिस्कस्टिंग टू नोट कि साहब किसी कुछ हिस्ट्री वाली कोई चीज़ ही नहीं है, कोई कुछ नहीं जानता किसी के बारे में, मिजोरम का ये हाल है। और वहाँ पे क्रिश्चियंस गए ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल, मुगल उगल के पीरियड में भी तक कोई नहीं गया, हमारे जो एंशंट हिस्ट्री में है वहाँ पर कोई उसका जिक्र नहीं आता, कौन था, कहाँ था, कैसे था, इसका कुछ पता नहीं। तो वहाँ पे जो है पहले अंग्रेज़ गए और उन्होंने जो है वो भी वो अमेरिकन क्रिश्चियंस गए,
और उन्होंने सबको जो है क्रिश्चियन बनाया, और उनको ये किया कि तुम बिल्कुल ही अलग हो, दुनिया से तुम बिल्कुल अलग हो, तुम्हारा कोई मतलब नहीं, न इंडिया से, न चाइना से, न बर्मा से, बिल्कुल अलग हो। वो छोटी छोटी ट्राइब्स में हैं, वो बिल्कुल अलग से हैं, और उनका सिर्फ वो है कि वो हर कुछ नहीं जानते, आप उनको खाना पीना दीजिए तो ठीक है, और नहीं दीजिए तो फिर आप उनको एक तरह से टैक्स दीजिए। तो फौजियों से तो नहीं वो कुछ वो करते थे, बल्कि हम लोगों से तो बहुत शराफत से पेश आते थे, सब दवा मांगने आते थे, सब उनको दवाई दे दी जाती थी, देख लिया जाता था, छोटे मोटे ऑपरेशन की ज़रूरत है वो भी कर दिए जाते थे। तो दे यूज़ टू कम फॉर ऑल काइंड ऑफ मेडिकल हेल्प टू मेडिकल यूनिट, और काफ़ी शराफत से पेश रहते थे। लेकिन कल्चर कुछ उनका ऐसा है, जैसे कि हमको एक स्कूल में भी घुमाया गया, वहाँ पे उनके हेड वोड होते हैं विलेज विलेज के, वो सब ले गए कि अच्छा डॉक्टर साहब आए हैं, मतलब बड़े डॉक्टर साहब आए हैं करके इंट्रोडक्शन दिया जाता था उनको, बड़े डॉक्टर साहब आए हैं तो सर आप आइए और ये वो, तो ले जाके हमको दिखाया। तो बड़े आराम से वो हेडमास्टर बोल रहा है ये लड़की ये लड़की ये लड़की, और एक मैंने देखा एक लड़की है यंग वुमन, उसके साथ एक बच्चा भी कूद रहा है ये वो। हमने कहा ये छोटे बच्चे भी क्लासेस होते हैं क्या? नहीं नहीं ये इसका बच्चा है। हमने कहा अच्छा ये कब किस क्लास में है? बोले 9th में है। तो इसका बच्चा है? हाँ। ये मैरिड है? नहीं नहीं मैरिड नहीं है, इसके और दो बच्चे हैं। वो बड़े आराम से बोल रहा है इसके दो और बच्चे हैं। मैंने कहा यार ये कौन सी सोसाइटी है, ऑलरेडी 3 बच्चे हो चुके हैं इसके, जो है इसने शादी भी नहीं की और कोई टैबू भी अटैच नहीं है, बड़ी अजीब सी सोसाइटी है। तो मुझे ये पता लगा कि जब तक वो प्रेग्नेंट ना हो जाए या वो राजी ना हो जाए शादी करने को, उसकी शादी कोई वो नहीं होता, जब तक वो नहीं राजी होगी शादी नहीं होगी, वो राजी हो जाएगी तो शादी हो जाएगी, नहीं राजी होगी तो कोई बात नहीं। तो समाज ज़्यादा ओपन है वो, इतना ज़्यादा, और सब सो कॉल्ड क्रिश्चियन है। अब किस तरह के क्रिश्चियन हैं क्या नहीं है वो ये है, और सब कुछ खा जाते हैं। डॉग जो है बंधा हुआ यूं रखा हुआ है, वो यूं देख रहा है, पता चला उसको बांध के रखा है टोकरी में, कोई उठा के उसको लोकल वो मार्केट में घूमे एक दिन तो हमने देखा है यार मरा हुआ सुअर। मैं 80s की बात कर रहा हूँ, कैन यू इमेजिन कब मर गया सुअर पता नहीं, और सुअर पिगरी में AMC मेस वालों ने पाल रखा था कि जब मर्जी होगी इसको काट के खाएंगे। मरा हुआ सुअर 1,000 रुपये में फौरन उठा ले गए वो सब। मैंने कहा यार अजीब सोसाइटी है। पिग वॉज सेलिंग एट ए मच हायर रेट देन फिश एंड चिकन। मटन तो बहुत कम है वहाँ जी, ये है। और एक रिवर तुरियल है बस, वो पतली सी नाले की तरह से दिखती है, बेचारी औरतें जाती हैं वो सब, और नीचे जो है एक पिचर लेकर के भर करके ऊपर तक आएंगी, आपको आश्चर्य होगा ये चींटी दिख रही है नीचे, वो ह्यूमन बीइंग है, इट्स सो डीप एंड द मेन आर रियली वेरी टफ, मेन एंड वुमेन। सड़क के किनारे सब नेकेड नहाती थी। हमको जो है डिनर पे बुलाया वहाँ, एक जाट यूनिट थी, एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, 13 या 14 जाट। उन्होंने कहा डॉक्टर साहब आपको डिनर पे आना है। हमने कहा भाई डिनर उनर पे छोड़ो यार, नहीं आएंगे। नहीं हम भेजेंगे आपको गाड़ी, स्कॉट रहेगा आपका, एक गाड़ी आगे एक गाड़ी पीछे, अब फंस गए यार, ज़बरदस्ती डिनर खिला रहे हैं। डिनर खाने गए तो रास्ते में देख रहे हैं बिल्कुल ही नेकेड लड़की सड़क के किनारे आराम से नहा रही है, और जवान वैसे ही वो इधर उधर देखने लगते हैं सब। वहाँ ये सब एक्सीडेंट होते थे, पता लगा कि साहब नीचे चल, तो हमारे साथ जो स्कॉट था उसने बताया कि सर ये बेचारे लड़के देखने लगते हैं इनको, गाड़ी नीचे चली जाती है, कभी कभी ये भी ड्रामा हो जाता है, दो चार मर जाएंगे बेचारे। हमने कहा यार अजीब सब जगह है, ये अजीब सोसाइटी है, दिस इज द रियलिटी ऑफ दैट प्लेस। तो हमने तो डेवलप करने की कोशिश की नहीं, इंडिपेंडेंस के बाद भी स्कूल स्कूल अच्छे खोले नहीं, जो क्रिश्चियन लोगों ने खोल दिए वही चल रहे हैं, और एक दफ़े जिसको आप मुफ्त की आदत दिला दें वो नहीं बदल, वो कभी नहीं सुधरता, मुफ्त की चीज़ आ गई है उनके में। सर आपका अनुभव बहुत वास्ट रहा, आपने आर्मी की 22 साल नौकरी की, फिर आप बाहर आए,